वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई YouTube चैनल। सो चलिए बात करते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, विच इज़ आयन बीम प्रोपल्सन। इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे कि आयन बीम क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड लास्ट इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वेलकम अगेन, माय नेम इज अनुभव। तो चलिए बात करते हैं, अगर आप ट्रेडिशनल रॉकेट बूस्टर्स को देखें तो वो बहुत ही हैवी और कॉस्टली होते हैं, और तो और इसमें जो है मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो केमिकल प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है, लाइक हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वहीं अगर आप आयन प्रोपल्सन देखोगे तो नाम से आपको पता चलेगा कि आयन प्रोपल्सन में हम आयन यूज़ करेंगे एज अ प्रोपेलेंट। अब बात आती है प्रोपेलेंट क्या होता है, तो मैं आपको बताऊँ, प्रोपेलेंट बेसिकली फ्यूल और उसके साथ जो एक ऑक्सीडाइजर सेंड किया जाता है उसको कंबाइंड जो है हम प्रोपेलेंट कहते हैं, या फिर आप नॉर्मल भाषा में इसे फ्यूल ही कह सकते हो या ईंधन आप जिसे कहते हो। आयन प्रोपल्सन का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो हम इसे अपने जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको ऑर्बिट में रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो अपने ऑर्बिट में हमेशा बने रहें, और तो और इसे हम डीप स्पेस मिशंस के लिए या फिर इंटर प्लैनेटरी मिशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ इंटर प्लैनेटरी कहने का मतलब है कि जब कोई मिशंस दो प्लैनेट्स के बीच हो, लाइक अगर हम अर्थ से मार्स के लिए कोई मिशन सेंड करते हैं तो इसे हम इंटर प्लैनेटरी मिशन कहेंगे। अगर आप केमिकल प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं फॉर और डीप स्पेस मिशंस, तो आपको इतना ह्यूज अमाउंट में प्रोपेलेंट ले जाना पड़ेगा जो कि अपने आप में ही काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। इन मिशंस के लिए जो है आयन बीम प्रोपल्सन काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि इसका जो थ्रस्ट टू प्रोपेलेंट कंजप्शन जो रेट है वो बहुत हाई होता है, मतलब कि इसकी इसमें केमिकल प्रोपल्सन के कंपेयर में बहुत ही कम प्रोपेलेंट यूज होता है फॉर अ गिवन मिशन। अब बात करते हैं कि आयन थ्रस्टर काम कैसे करता है या फिर आयन प्रोपल्सन कैसे काम करता है। सो आयन प्रोपल्सन के लिए सबसे पहला काम होता है आयन्स को क्रिएट करना, और ये कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं जो प्रोपेलेंट एटम से जाके कोलाइड होते हैं, जिसकी वजह से प्रोपेलेंट एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम से बाहर निकल जाता है, और प्रोपेलेंट एटम जो है अब आयन जैसा बिहेव करने लगता है। और हमने पढ़ रखा है कि जो प्रोपेलेंट एटम है अगर वो आयन जैसा बिहेव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे जो है इफेक्ट डालेगा। देन आफ्टर होता क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे आपको दो प्लेट मिलेंगी, पॉजिटिव ग्रिड्स और नेगेटिव ग्रिड्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है तो एक फोर्स फील करता है, तो उसी की वजह से यहाँ भी जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, तो एक थ्रस्ट जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है वो फॉरवर्ड मूव करता है। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल बाहर आता है एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर से जो है हम एक बार और चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं या फिर स्ट्राइक कराते हैं अपने आयन्स के साथ, जिसकी वजह से जो आयन है ये दोबारा जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इसमें कोई भी चार्ज वगैरह नहीं होता है। अगर आप यहाँ देखो तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है, जिसकी वजह से यहाँ ओवरऑल कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। जनरली हम इसे प्लाज्मा कहते हैं, और ये गैस जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, बट ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जो है इफेक्ट डालता है। मोस्ट कॉमन जो प्रोपेलेंट है वो होता है हमारा ज़ेनॉन। ज़ेनॉन यूज करने का रीजन है इसका इजिली आयोनाइज्ड हो जाना, और तो और इसका हाई एटॉमिक मास, जिसकी वजह से हमें डिजायरेबल थ्रस्ट मिल पाता है, और तो और ये एक इनर्ट गैस है जिसकी वजह से ये कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता जिस भी बर्तन में या फिर जहां भी हम इसे स्टोर करते हैं, और इसका हाई स्टोरेज डेंसिटी इसे और भी खास बना देता है। हाई स्टोरेज डेंसिटी मेरा कहने का मतलब है कि आप इसे कम वॉल्यूम में ज़्यादा अमाउंट में रख पाते हो। अगर आप सोच रहे होगे कि जो मैं अभी कुछ टाइम पहले न्यूट्रलाइजर की बात किया था वर्किंग में इसके, कि न्यूट्रलाइजर का काम क्या है, अगर न्यूट्रलाइजर न लगाएं या फिर जो हमारे आयन्स वगैरह बाहर निकल रहे हैं उन्हें न्यूट्रलाइज ना किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। सो मैं आपको बताऊं, न्यूट्रलाइजर न यूज़ करने की वजह से जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है एक टाइम के बाद से जो है नेगेटिव सिस्टम जैसा बिहेव करता है, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो आयन वगैरह बाहर निकलते हैं ये एक पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या होता क्या है कि स्पेसक्राफ्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने की वजह से जो इनका थ्रस्ट है वो कम हो जाता है, और तो और ये अगर ये आयन्स रिवर्स हमारी स्पेस क्राफ्ट में जाएंगे तो उसमें इरोजन भी देखने को मिलता है, इसलिए हम वहाँ पे न्यूट्रलाइजर यूज़ करते हैं। अगर इसके लिमिटेशंस की बात करें तो ये सिर्फ वैक्यूम या स्पेस में प्रैक्टिकली पॉसिबल है,
इसे एटमॉस्फेयर में यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि आयंस स्पेसक्राफ्ट के बाहर थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाते हैं, और तो और ये इनिशियली उतना सफिशियंट थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाते हैं कि ये किसी सेलेस्टियल बॉडी के सरफेस ग्रेविटी से बाहर निकल सके। सो इनिशियली लिफ्टअप के लिए हमें केमिकल प्रोपल्सन का ही हेल्प लेना पड़ेगा, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आप डीप स्पेस मिशंस के लिए अगर आप इसे भेजें तो ये धीरे धीरे हमारे स्पेसक्राफ्ट को एक सुपर स्पीड तक पहुंचा सकता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।